समझो, देखिए ख्वाहिशें और परिवार एक दूसरे की पूरक होती हैं। माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की परवरिश में वो कोई कमी रहने ना दे। पिता की चाहत होती है कि वो अपने बेटे के कदमों में सारी खुशियों को ला करके रख दे। और संतान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माता पिता को दुनिया का हर आराम दे सके। तो इच्छा, विश, चाह, ख्वाहिश, यही तो कड़ी है जो परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे खिलाड़ी भी केबीसी का एक परिवार हैं, इसलिए इस मंच की भी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि यहाँ आए हर खिलाड़ी यहाँ से जीते और खूब जीते। फिलहाल तो हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं प्रांशु त्रिपाठी जी। और प्रांशु जी, जब हम इनसे कल बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक ग्रामीण स्कूल है जी जी जी, जहाँ पर आप जाते हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हर रोज पढ़ाते हैं आप, हर रोज क्लास लेते हैं? नहीं सर, अभी क्या कोविड के कारण में क्लासेस अभी वीकली चल रही हैं, जिसमें 9th की बुधवार को लगती है और 10th की शनिवार को लगती है सर। हफ्ते में दो ही दिन लगती है सर। दो ही दिन पढ़ाते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन सर अपना जो गेम है सर, क्रिकेट खेलता हूँ सर मैं। क्रिकेट? जी जी जी, बहुत शौकीन हूँ सर बचपन से ही। जब से मैंने अपने आप को समझा, दुनिया को जानना सीखा, तो मैंने क्रिकेट को देखा गेम के रूप में। और मैं करीब 6 या 7 साल का था तो पापा जी थे मेरे, पापा जी एक बल्ला लेके आए थे, तो बल्ले से सर मैं इतना शौकीन हो गया, बल्ले को ही दिन भर देखता रहता था। ग्राउंड पहुँच जाता था, ग्राउंड में कोई नहीं था फिर भी मैं ग्राउंड पहुँच जाता था, और अगल बगल के गली वाले जितने भी मेरे खेलने वाले खिलाड़ी हो सबको मैं बुलाता हूँ, चलो खेलना है, चलो खेलना है। फिर ऐसा हुआ सर कि 2003 में सर वर्ल्ड कप हुआ, और उसी समय सर मेरे घर में टीवी आई नहीं, तो मैं टीवी में पहली बार गेम देखा। मैं बोला ये चीज़ को मैं जो गली में खेल रहा हूँ इसको तो लोग टीवी में भी खेलते हैं, तो और इंटरेस्ट जागने लगा सर। फिर वहाँ से जो क्रिकेट की मेरी शुरुआत हुई सर, तो अभी तक चल रहा है मेरा क्रिकेट, और क्रिकेट मेरे लिए सुकून है सर। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, इनके कंपेनिंग रूम की माता जी आई हुई हैं, गायत्री जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत आपका हमारे एक बार फिर कार्यक्रम में। तो माता जी, जी सर, तो प्रतिदिन ये क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। कैसा लगता है आपको? गुस्सा तो चढ़ती है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे या बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करे। हाँ। पर ये बैट लेके भाग देता है और जब लौटता है बैट खिलाते हुए आता, गुस्सा ऐसे चढ़ती, मैं बोलती क्या इसी को दुल्हीन बना के ले आएगा क्या, घर में सहयोग ना करेगा काम का। सर एक बात बोलनी थी। हाँ जी। ऐसा सूट मेरे पास भी है सर। ये सूट आपके पास भी है? नहीं, लेकिन ये नहीं है सर। हाँ हाँ। ये बड़ा बेकार लगता है सर। अच्छा अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप अचानक बात करते करते इसके ऊपर कैसे ध्यान चला गया? नहीं सर, मेरे पास ऐसा रहा सर, सूट है अभी भी है, ये अक्सर शादी वगैरह में पहना जाता है सर, तो मेरे को देखा मोला यार ये तो। अब आपको पसंद आ गया भाई साहब, तो ऐसा करते हैं कि जब ये खेला खत्म होगा उतार के हम आपको दे देंगे। नहीं सर, नहीं सर। जब मैं बल्ला पकड़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरी जन्नत मिल गई, मेरी दुनिया मिल गई, और ये मेरे को बहुत सुकून देती है। जिला उमरिया की टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डियो स्ट्राइक पर है। वन डाउन हमेशा भैया आते हैं, और उनको धोली उनका जो है हेलीकॉप्टर शॉट तो भैया का फिर तगड़ा शॉट है। आखिरी गेंद और 6 रनों की दरकार। हम लोग मतलब प्रेशर लेते हैं तो हमारे पास आके बोलते हैं कोई प्रेशर नहीं लेना है, बड़े आराम से रन चेज होता है। और बच्चा बच्चा दूर गांव से डीओ की बल्लेबाजी देखने को जुट गया है। और ये बॉलर ने गेंद डाली और डीओ ने हवा में गेंद को उड़ा दिया है, और देखने ये 6 रन होता है या नहीं, और ये बाउंड्री लाइन के पार। डीओ ने एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिला दी है। क्रिकेट मेरे लिए एक नशा है, भगवान है, देवता है। जब मैं जाऊं दुनिया से तो मेरे हाथ में बल्ला रहे।
पेशे से मैं एक टीचर हूँ, लेकिन दिल से मैं एक क्रिकेटर हूँ सर। हमारे यहाँ टीचर हैं इस वजह से लोग इनको नहीं जानते, ये क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, सिक्सर स्पेशलिस्ट। पापा जी का ये कहना है कि आप अपने पहले एम पे फोकस कर लो, सफल व्यक्ति बन जाओ, फिर आपके लिए जीवन भर खेल चलता है। मैं पापा से कहता हूँ जीवन भर खेल कहाँ, 40 के बाद तो धोनी भी रिटायर हो गया। क्रिकेट की तरफ शौकीन है, पढ़ा लिखा है और दिमाग भी रखता है, तो लगता है कि कुछ ऐसे जॉब में जाए जो कम से कम अपना एज ढलते तक के लिए रहे। मुझे तो लगता है मेरा शौक और मेरा कैरियर एक रेलवे ट्रैक जैसा है, ये आपस में मेल कभी नहीं खाएंगे। मैं एक अच्छी राशि के विषय में जीतता हूँ, तो मैं जरूर एक स्पोर्ट्स स्कूल खेलूंगा जहाँ पे पढ़ाई और साथ में खेल दोनों हो सके। उसमें अपने जैसे बच्चों को तैयार करूंगा जो भविष्य में मेरे जैसे जो अधूरे रह गए हैं तो वो कुछ कर सके। बधाई हो भाई साहब, जिस खेल में आप रुचि रखते हैं वो बहुत अद्भुत खेल है। थैंक यू सर। और एक बात बता दें, अभी आपके हम फोटो देख रहे थे तो आपका जो साइड प्रोफाइल है ना वो एकदम धोनी जी जैसा लगता है। थैंक यू सर। है ना, ऐसा कि साइड जैसे बल्ला पकड़े खड़े थे, बिल्कुल MS धोनी लग रहे थे आप। सर वो कहाँ चंदन मैं पानी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अगर आपको खेल में इतना शौक था तो क्यों नहीं बन गए आप क्रिकेटर। अच्छा माता जी नहीं सुन रही है बात, आप शांत हो जाइए, तो बन जाना था ना आपको क्रिकेटर, एकेडमी वगैरह चले जाते खेलने के लिए। जो एक प्रोफेशनल है और मेरी जो शौक है एक रेलवे पटरी के समान है, चल तो साथ में रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। प्लस उमरिया सर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, वहाँ एक समाज एक परिवार और लोगों के मन में ऐसा मतलब हो नहीं पाता कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो शुरुआत में ज़रूर लगा कि यहाँ से भी लोग निकलेंगे और आगे जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे, पर बाद में ऐसा लगा कि सर ये भविष्य नहीं बना सकता मेरा सर। लेकिन जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ये धारणा बदल रही है, देखिए। जी जी जी, अब बदल रही है सर। अब देखिए हमारे अपनी भारतीय टीम को देख लीजिए। हाँ सर। कितने खिलाड़ी इनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। हाँ। छोटे छोटे शहरों से गांव से निकल के आ रहे हैं और कितना बढ़िया खेल रहे हैं और इनकी कमाई भी कितनी बढ़िया हो रही है कि नहीं, तो उनके जैसे भी आप बन सकते थे। सर हो गए सर, ऐसी एक विचारधारा आ गई मेरे मन में स्वयं आ गई सर कि नहीं मैं भविष्य में इसके माध्यम से अपने जीवन का यापन नहीं कर पाऊंगा। विगत 2 वर्ष पहले मेरा सिलेक्शन हो गया शिक्षक के लिए, तो सर वहाँ पे गेस्ट टीचर होते हैं सर, मैं एक परमानेंट टीचर नहीं एक गेस्ट टीचर हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग को जो पेमेंट मिलती है सर तो वो पीरियड के हिसाब से मिलती है। ओ। तो उसमें हम लोग का परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप जाएंगे जितने पीरियड आप लेंगे उतने रुपए आपको मिलेंगे। जी जी। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सर मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा सर। अच्छा। हाँ सर मैं रखा हूँ। जेब में लेके चलते हैं क्या सर, उनको? गुरु है सर वो, रोहित रोहित शर्मा। अरे वाह, आप कभी मिले हमसे? सर ऐसा कभी सौभाग्य मेरे को नहीं मिला कि मैं रोहित सर से मिलूं, लेकिन सर इनके जितने भी शॉट हैं मेरे एरिया में सर मेरे रोहित शर्मा के नाम से ही जानते हैं, इनके इतने अच्छे से शॉट उन्हीं को मैं ट्राई करता हूं, जैसे पॉइंट में सिक्स मानना, कवर ड्राइव मानना, पुल शॉट, जिनका पुल शॉट फेमस है जिससे सभी गेंदबाज डरते हैं, मैं पुल शॉट ही के लिए फेमस हूं सर। और सर आज तक ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं रहा कि मैं रोहित सर से मिल सकूं, गुरु है सर मेरे लिए, मैं इनको सुबह शाम सर पर्स में लेके चलता हूं सर। तो बहुत बढ़िया खेलते हैं ये। नहीं बहुत सर, बहुत शानदार सर, इनकी जो पारी थी सर श्रीलंका के खिलाफ थी जब इन्होंने दोहरा शतक मारा था। जी जी। तो उस मैच के बाद से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया सर, मतलब इनके एक मैच को मैं मिस नहीं करता, ये टेस्ट हो मैं टेस्ट टुक टुक खेलते रहूं मैं देख रहा हूं, मैं आपका फैन हूं। और कभी ऐसा मौका मिलेगा सर कि तो मैं मिलना चाहूंगा इनसे। सर आप तो यहीं रहते सर, आप तो मिले होंगे? मैं मिला हूं उनसे। अरे बहुत सर, हमसे मिल लिए, चलिए मिल लिए उनसे आप भी। नहीं सर सर बराबर। चलिए हम आशा करते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए जब आप रोहित से मिल सकें। सर कहाँ मिले आप इनसे सर?
सर यही मुंबई में। मुंबई में सर? हाँ। कभी मैच देखने गए थे सर? हैं? मैच देखने गए थे इनका? जी हाँ, मैच देखते हैं और टीवी पे भी देखते हैं। पर टीवी में? हाँ। सर देख रहे हैं आप लोग कितने पॉपुलर हैं। ताली बंद ही नहीं हो रही है। ये ओपन तो देखो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आदरणीय महोदय, आपने हमें यहाँ आने का जो आपके ज्ञान मंदिर में आने का जो निमंत्रण सिखा के भेजा था, शुद्ध हिंदी में बात करना। मैं शुद्ध हिंदी कीजिए कीजिए आप बिल्कुल। आप ही बोलो यार। नहीं सर ने बोला। सादर प्रणाम सर, आपने हमें आपके ज्ञान मंदिर में आने का आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है, बैठिए। ये समझा के भेजे थे। और बिड़ू 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 अपन को भी तुमसे मिलके बहुत मजा आ रहा है आज। और बोले तो ये जो सूट पीट पहन के आया ना तुम, क्या मस्त लग रहे लाए तुम एकदम। बोला था मैंने कि सूट बूट पहन के घबराए हुए थे हम लोग। नहीं नहीं मैं एकदम हीरो माफिक लग रहे हैं तुम सर। आपके मुंह से सुनने के लिए, मतलब सुन रहा है ना भाई लोग? बाकी कभी बोले नहीं बाबा ने, मगर आप भी एकदम रापचिक लग रहे हैं सर। माफी चाहता हूँ, मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप तो हमेशा रापचिक ही दिखते। पर इसको इसको बदलने का नहीं है ना, एकदम ऐसे ही मस्त है। मेरे को बदल लिया सर। कुछ चेंज वेंज चाहिए नहीं अपन को, अपन तुम एकदम एकदम मस्त लग रही। मेरे को बोला सर एकदम सूट में रहते खड़क रहते और ये ऐसे मवाली की तरह रुमाल गले में बांध के नहीं जा सकता है, तो इन्होंने पूरा चेंज कराया। पहन के आने का था ना। अपने अपने घर है ये, गाड़ी के अंदर रख दिया पूरा कपड़ा। इन्होंने बोला कि यहाँ आके पहले बोलना सादर प्रणाम और ये सारे महोदय आदरणीय महोदय, कोट पहनना, परफ्यूम लगा के जाना, पसीना का वासनी आना चाहिए, ये सब बोल रहा था। अच्छा कुछ ज्यादा ही बोल दिया जा रहा है। चेंज वेंज की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत एकदम ऐसे ही मांगता है मेरे को। सो स्वीट, थैंक यू सर। केबीसी के लिए तैयारी वारी करके आए हो ना? जी कोशिश की सर। घर पे तो मैं माँ को मैंने कहा कि मैं केबीसी के लिए जा रहा हूँ, तो बोले कौन कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला कौन बनेगा करोड़पति, दादा और मैं जा रहे हैं। बोले कौन दादा? ऐसे जैकी और मैं। तुम लोग क्यों जा रहे हो? नहीं तुम लोग दोनों क्या कर लोगे? हाँ वही ना, तुम लोग आप लोग यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या करोगे? ऐसे मॉम स्कूल पे मत जाना, जो स्कूल में हुआ उसे भूल जाइए आप। घर से प्रणाम सादर प्रणाम भी बोले आपको। ये जो बिड़ू भाषा है ये किधर से आए, आपने कैसे इसको अपनाया? सर पहले तो ये एरिया अपना ऐसा के जबान वहाँ पे ऐसे ही चलता है, कान खुला रहता था, मुंह बंद रहता था, तो सीखने को मिलता था क्या बोल रहे हैं, तो ज्यादा। और फिर आप थे, वो आपके सारे पिक्चर्स में आप युवा हुआ ना, हम लोग तो बाद में आए मुंबई। तो आपको भाषा तो आपने दी है पूरा हम लोगों को, मतलब अच्छे भाषा भी दिए हैं, मगर मुंबई का भाषा जो हम लोग बोलते हैं सर, वो भी खूबसूरत भाषा आपने दी है। वो डायलॉग भी था एक सर का कि ऐसा तो अरे हाँ जिंदगी में बोलो ना सर, ऐसा तो जिंदगी में अकबर एंथोनी में था, कोने पे खड़ा था मैं, कोई भाग के जरा तो उसको टंगड़ी मारा गिर गया। हाँ उसको पकड़ा हमने, बोला ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो, तुम किस लिए भाग रहे हो भाई? हाँ एब्सोल्युटली बैंग ऑन। तो वो कैरेक्टर वैसा था, वोइच था ना, वोइच। हाँ वोइच था। दूसरे दो ही बार क्या देखो उसके अंदर है वो एक कुछ वर्ड आपका। वो भी है ना जेल वाला, जब विनोद जी को विनोद जी मार के फाइट था, या फाइट आप जब बोलते भी हो ना कि वोइच मुक्का मारा लेकिन सॉलिड मारा, वो पूरा आईना को हिला दिया मैंने। तो दोइच जब आया था, दोइच ऐसे दिमाग में दो तो सुना था, दोइच और सॉलिड मारा ना, सॉलिड मारा ना। वो बहुत ही बड़ी सुंदर भाषा है ये। Absolutely, और अपने क्या थैंक गॉड सुना। हाँ सर सुनील, आप जैकी को कितने दिनों से जानते हैं?
So I think, जानता तो आई थिंक 50 साल से हूँ लेकिन लेकिन दोस्ती 45 years की है क्योंकि बचपन से हम लोग जैकी हमारे जैसे आप और खन्ना साहब हमारे लिए सब कुछ थे फिल्मों में आई मीन द रियल हीरोज यू नो हुम वी लुक्ड अप बेशक लेकिन ऑफ स्क्रीन जैकी दादा वो इंसान थे वो पर्सनैलिटी थी दैट यूज टू इम्प्रेस यू कम्प्लीटली दादा कुछ भी करते ऐसे ही थे जैसे अभी है उतनी स्टाइलिश और शायद उससे ज्यादा ही स्टाइलिश क्योंकि तब अब तो फैशन वाइज हमें सब कुछ मिलता भी है इजी है खरीदना तब दादा कुछ भी पहनते थे दादा इतनी छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनते थे तो आज सुबह ही दादा मुझसे कह रहे थे कि यार बिकनी जितनी शॉर्ट थी ऐसे बिकनियां तो इतनी लंबी थी तब भी शॉर्ट्स दादा के इतने शॉर्ट थे और उसके ऊपर लंबा शर्ट पहन के घूमते थे दादा और उसमें भी खूबसूरत दिखते थे आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी कभी आपने सुनील कभी आपने कोशिश की कि दादा के जैसे हमको इमिटेट करना चाहिए नहीं की तरह कपड़े वपड़े पहनने चाहिए कोशिश तो हमने बहुत की और कहीं कहीं सक्सेसफुल भी हुए और इसलिए मुझे याद है कि जब भी हम नवरात्रि के टाइम पे हम हमेशा यंगर लॉट जो बॉयज है बिल्डिंग जाते थे अपने आप को दिखाने के लिए ना लोगों को कि हमारी बॉडी देखो हमारी कपड़े देखे तो हम जाते थे तो लोग हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाते थे और सडनली दूर से एक विस्पर आता था कि द विंड यूज टू कैरी दैट कि जैकी आया हुआ यार इसको कौन जैकी श्रॉफ तो हम दूसरी ग्रेड से एग्जिट मारते थे क्योंकि दादा के आते ही सारे लोग उस तरह चले जाते थे और हमारे पास कोई नहीं था यही मैं पूछने रहा था सारे लोग का मतलब कौन लोग यानी सर लड़कियां सब ये कहा ना आपने सर इज गॉट इट मैं बोलने वाला नहीं था बोलते तू बोल देता सब कुछ इतनी दोस्ती है गहरी आप दोनों की यही मैं पूछने वाला था वो हो जाता था उन लोग हिल जाते थे सब हिलते थे हिल तो रहे हैं मगर और ज्यादा हिल जाते थे मुझे मालूम नहीं था ये सब क्योंकि पहली बार मैं अपनी जिंदगी में आपसे मिला था तो डॉन के सेट पर मुझसे मिले थे आप पहली जी सर और मेरी बिल्डिंग थी मीरामार जहाँ मैं रहता था नेपियंसी रोड आप वहाँ शूटिंग करने आए थे एक सीक्वेंस था जब आई थिंक आप जीनत अमान जी को पूल से बचा के निकालते हैं और लेकर आ जाते हैं तब हम लोग छोटे थे और बहुत शोर शराबा चल रहा था बाहर और आपसे मिलने नहीं दे रहे थे वो लोग तो आपने एक्चुअली मैंने वो आवाज़ भी सुनी आपने पहली बार उनसे कहा कि क्यों बच्चों को रोक के रखा है बच्चों को हमारे पास भेज दो और हम सारे बच्चे 8-10 लड़के थे आपके पास आए आपसे बात कर रहे थे और सडनली आप बात करते वरते आपने कहा ओए यू कम टू सी मी देख कहाँ रहो बिकॉज देर वॉज अ शॉट जहां जीनत जी लेटी हुई थी और शी वॉज ऑल वेट सो ऑल द बॉयज वर ऑल और सब उनको देख रहे थे और आपने ऐसे करके बोले क्या कर रहे हो कहाँ देख रहे हो सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट यू नो और आपने हमसे कहा भी उसके बाद हम आपके साथ काफी बातें हुई आपने जो सवाल हमने आपसे पूछा आपने जवाब दिया जाते जाते आपने मुझे एक नंबर भी लिख के दिया था कि कभी उस तरफ आओगे जुहू की तरफ आओगे तब क्योंकि जुहू और टाउन जो डिस्टेंस बहुत दूर होता था नंबर मैंने सेव करके रखा था कभी फोन करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि लगा कि कहीं अगर वो नंबर गलत निकला तो आई बी हार्ट ब्रोकन तो कभी नंबर मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन आपने वो भी किया था हमारे लिए लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार ऐसे वाक्य होते हैं कभी मान लीजिए सड़क पर शूटिंग कर रहे कोई आता है कहता सर हमारा फ़ोन है कभी फ़ोन ऑन किया कीजिए तो मैंने कहा नंबर दो तो दे दिया उसने फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा यार इसको मैंने प्रॉमिस किया था तो मैंने फ़ोन लगाया उसको उधर से आवाज़ आई हाँ हेलो मैंने कहा हेलो ये हैं हाँ हैं आप कौन हैं मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन बोला हे चारे काय को खिंचाई कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है तो अभी मैंने फोन करना बंद कर दिया कोई बिलीव ही नहीं करता है सर इसीलिए हमने फोन नहीं किया सर ऐसा है कि हमने देखा है कि आप दोनों की दोस्ती जो है बहुत गहरी है गंभीर है अच्छी है
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि एक दूसरे की पोल आप खोलते हो, है ना? तो हमारे पास एक यंत्र है, हमें खेल खेलेंगे आपके साथ, एक दूसरे की पोल आपको खोलनी होगी। ए, यंत्र लाया जाए हमारे पास। अमित जी बोल रहे हैं तो मैं ना नहीं बोल सकता। अरे तो कैसी बात कर रहा है आप? हाँ, एक इनको दे दीजिए। सर अभी दादा ने बोल दिया कि नाम कोई मत लेना अभी। नहीं वैसे नहीं बोला बे। ये दोनों यंत्र हैं, एक के पीछे आपका नाम है और दूसरे पीछे सुनील का नाम है, ठीक है? एक एक कर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। जी सर। इस खेल का नाम है पोल खोल के बोल। पोल खोल, पोल खोल और बोल, पोल खोल के बोल। रेडी? पहला प्रश्न, आप दोनों में से कौन किसको मुसीबत में डाल सकता है? आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप डाल सकते हैं। देखिए उसे पता है। और वो बोल रहे हैं सुनील, कैसे मुसीबत में डालेंगे आप? मैं तो इनके बारे में कभी कुछ लाइफ में बोल नहीं सकता, मेरे से छोटा भी है, मेरे बहुत संभाल है, मगर इन ये बच्चे लोग ज्यादा टांग खींचते रहते हैं, यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बातें, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई वो भी बता देता है। तो कौन सी बातें? मुझे क्या मालूम, आप बताएं। वो आप वो नहीं, आप उसकी बात नहीं, वो तो बात ही नहीं, पॉलिटिकल बात भगवान के लिए, ये कुछ भी बता देता है। दादा हमेशा हीरो रहे हैं, तो एक एक बहुत ही सीनियर और पावरफुल मिनिस्टर्स थे, वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे थे और हमसे बातें कर रहे थे, और हम तीन चार एक्टर्स उनके सामने ऐसे खड़े होकर हम सुन रहे थे उनकी बातें। दादा सडनली पीछे से आए, इतना और, या अभी ये समझ लीजिए कि ये मंत्री जी है, वो मंत्री जी है। और दादा छोड़िए, आप हाथ मत लगाइए मंत्री जी, कुछ आप मंत्री जी से दूर रहिए दादा। तो मैं वैसे था, तो दादा पीछे से आए, वो बात कर रहे, ये कर रहे, और दादा आके मंत्री जी को ऐसे ये हुआ, मंत्री जी ऐसे गए। दादा आए, बोले भेड़ो अच्छा काम कर रहे, बहुत सही है तू, आइसाइज करने का, फाड़ डालने का सामने वाले को, लगे रहे तू। तो मंत्री जी और दादा निकल गए। अच्छा, बोल बोल के चले गए, ऐसे करके वापस एग्जिट मार के दादा वहां से निकले, और जैसे कुर्सी हिली थी ऐसे हिले थे। अभी मेरे को बोल रहे, मेरे को याद ही नहीं, भगवान की कसम याद नहीं। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। कौन अपने आप को ऑडियंस के सामने किसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाल सकता है? कौन अपने आप को? हाँ, आप डाल सकते हैं अपने आप। जी सर। हाँ, actually, yeah. He will put him in. He will put himself into an embarrassment. This is embarrassing. If that was thing. हाँ, yeah, the one of the embarrassing. ये एक उदाहरण था embarrassment का। कोई और आपके पास वाक्या है जो जहाँ इन्होंने embarrass किया हो? सर, दादा ऐसे थे, दादा जैसे अगर हम पार्टी के लिए जाना चाहते और दादा को सडनली पता चला कि पार्टी जाना, तो दादा एक ऐसे थे कि fitting, nothing mattered to him. एक चीज डेफिनेट था कि ही लुक्स गुड इन इट एंड ही कैन कैरी, तो अपनी एटीट्यूड को लेके वो चलते थे। तो अगर उनको कहीं बाहर जाना था तो बोलते, ए बड़ू टी शर्ट दे दे, चल निकाल, फट करके टी शर्ट निकाल दे, पहन लिए और उनका सामने वाले को दे दिए। और दादा वैसे ही दादा लग रहे हैं, और ये दादा के कपड़े में कैसे लगता होगा आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज दादा फॉर यू, विच इज विथ एंड ही यूज टू कैरी ऑफ एनीथिंग सर, इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स और इतने लंबे शर्ट्स, और दादा चल के आ रहे नेपियन सी रोड के ब्रिज पे अपने कुत्ते भौंकते थे मुझे देखकर। कभी नहीं सर। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न। हाँ, पत्नी जी से डांट पड़ने के चांसेस आप दोनों में से ज्यादा किसके हैं? सुन, मेरा ही नाम है दादा का, लगता मैं उन्हीं का नाम देता हूँ, मुझे क्या मालूम। इससे सच्चा उत्तर जो है आप दोनों में से कोई भी नहीं दे। देखो, देखा, कोई भी होगा यही बोलेगा। बाहर की दादा हम सबको डांट पड़ने की संभावना। हाँ, सबको यही है सर, बिल्कुल। तो बधाई हो, आप दोनों को एकदम सच बोला है आपने। ऑलराइट, आखिरी प्रश्न, इसका उत्तर मैं खुद ही दे देता हूँ। कौन ज्यादा भावुक पिता है? सर 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 दोनों है सर, ये तो सही बात सर, दोनों, क्योंकि हम लोगों के माता पिता से इतना प्यार मिला है सर। जी जी। हम लोगों को कि जो हम लोगों को मिलता है वही हम देते हैं। जी जी। अपने माता पिता से ही सीखते हैं सारी चीजें, स्कूल में तो बाद में सीखते हैं,
मगर उनको देख देख कर उनको जिस तरह से उन्हें हम लोगों को एक संभाला है, इसको भी मेरे को भी मेरे माँ बाप सबके सबके माँ बाप ने इसलिए फॉर्चुनेट समझते अपने आप। बिल्कुल सही कहा है कि माँ बाप के साथ आज भी रह रहे हैं, हमें माँ के साथ रह रहा हूँ लेकिन हमेशा अपने माँ बाप के घर में ही रहा हूँ। So I think that is the ultimate blessing yes. for any son or daughter. Total. You know, All right. son more so. Sir, बहुत-बहुत बधाई आप दोनों को, बहुत अच्छी तरह से आपने खेल खेला, तालियां बज जाएं इनके लिए।